हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट वन, उसी का आज मैं पार्ट टू कंटिन्यू कर रही हूँ। पार्ट वन में मैंने डिस्कस किया था कि हाइपोथैलेमस का रोल क्या है, पिट्यूटरी का रोल क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, वो किस तरीके से अपना फंक्शन कर रहे हैं, ये सारा मैं अपने पार्ट वन में पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप पार्ट वन देखिए, देन आप पार्ट टू कंटिन्यू करिए, ठीक है? सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आप सबका आपके चैनल फार्मा एड में। अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। पार्ट टू में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे? पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, एंड इंडिविजुअली जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारे, ठीक है ना, उन सबसे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है एंड उनका फंक्शन क्या है। मतलब पहले पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, किस पे काम करते हैं वो हार्मोन, क्या फंक्शन देते हैं, एंड देन इंडिविजुअल जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सबका फंक्शन क्या है, उनसे कौन कौन से हार्मोन रिलीज। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है ना। एक होता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा होता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी होता है उससे बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंड जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उससे सिर्फ दो हार्मोन रिलीज होते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, ठीक है ना, अगर आप लोग क्लियर दिख रहा हो। सो पार्ट ऑफ पिट्यूटरी यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है एंड वो हार्मोन किस ऑर्गन पे या किस पार्ट पे जाकर के अपना एक्शन देता है, एंड देन उस हार्मोन का एक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात की हमने एंटीरियर पिट्यूटरी की। एंटीरियर पिट्यूटरी सबसे पहला हार्मोन जो रिलीज हो, सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज द जीएच, मतलब ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का रोल क्या है, बॉडी की ग्रोथ को करवाना। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल दिया था कि छोटा सा बच्चा है, ठीक है ना, जब वो पैदा होता है एंड उससे लेकर के 12 साल की उम्र या 15 साल की उम्र तक क्या उसकी ग्रोथ सेम रहती है, क्या वो जैसा पैदा होता है सेम वो 15 साल तक वैसा ही रहता है? नहीं, उसकी ग्रोथ में चेंजेस होती है, वो इंक्रीज होता है, उसकी ग्रोथ इंक्रीज होती है, उसका फिजिकल कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, उसमें साइज ऑफ सेल्स या बोलते हैं नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाती हैं। तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ हार्मोन होगा ना, एक हार्मोन होगा जो उसकी ग्रोथ को इंक्रीज या उसकी बॉडी की साइज को इंक्रीज कर रहा है, सो दैट इज अ ग्रोथ हार्मोन। सो ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये हमारा रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंड ये ग्रोथ हार्मोन किस पे काम करता है, सबसे पहले ये काम करता है लीवर पे। अब लीवर पे क्या इसका फंक्शन होगा, लीवर पे ये लीवर को स्टिमुलेट करेगा एंड जो प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगी ना तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी एंड सेल्स का साइज बढ़ेगा। भाई देखिए, कोई भी चीज की ग्रोथ कैसे होगी, या तो उस ऑर्गन की नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएं, ठीक है ना, या और उन सेल्स का साइज बढ़ेगा। तो दोनों चीजें होंगी, नंबर ऑफ सेल्स भी अगर बॉडी में बढ़ेंगी एंड उन सेल्स का साइज भी, जब वो अपने साइज में भी इंक्रीज करेंगे तभी वो ऑर्गन इंक्रीज होगा। सो ये दोनों ही कंडीशन के लिए प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। सो प्रोटीन सिंथेसिस जब होगी, और ये प्रोटीन सिंथेसिस कौन करवाएगा, लीवर कराएगा। सो लीवर प्रोटीन सिंथेसिस करता है ताकि बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बढ़े, नंबर ऑफ सेल्स की साइज बढ़े, एंड देन जाकर ये ग्रोथ हार्मोन बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज, सारे हार्मोन्स हमारे वो हैं जो रिलीज हो रहे हैं किससे, ये टू, ये थ्री, ये फोर, यहाँ पर मैंने फोर ही बताया है, फिर मैं आगे और डिस्कस करूंगी। फिर सेकेंड आते हैं हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, ये हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, क्या स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड हार्मोन नहीं रिलीज करेगा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा पिट्यूटरी। मतलब कि ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे एक्ट करेगा, थायराइड ग्लैंड पे, एंड देन थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा। ये पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, ये ऑर्गन को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन रिलीज हो रहा है, ताकि ऑर्गन जब स्टिमुलेट होगा तब वो ऑर्गन जो मेन हार्मोन है जिसका एक्शन आना चाहिए वो हार्मोन रिलीज करेगा। सो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीजेस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड ये हार्मोन फिर किस पे फंक्शन करेगा, ब्लड के थ्रू ये सारे हार्मोन्स ट्रेवल करेंगे। ये जो हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड पे जाकर के अपना फंक्शन देगा, देन थायराइड ग्लैंड पे जाकर के उसकी जो हार्मोन की सिंथेसिस है उसके फंक्शन को बढ़ाएगा। सो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड पे जाएगा तो किसके प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन T3 एंड T4 के बेसिकली प्रोडक्शन को, उसकी सिंथेसिस को बढ़ाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो दिस इज द स्टिमुलेटिंग हार्मोन, किस पे काम करेगा, टारगेट ग्लैंड पे, थायराइड पे, एंड ये थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, फिर थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है ना। फिर थर्ड हार्मोन है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल का मतलब आप इस तरीके समझिए,
मेल फॉलिकल एंड फीमेल फॉलिकल, ठीक है ना। मेल फॉलिकल क्या है, जो जिससे स्पर्म बनता है, ठीक है। फीमेल फॉलिकल क्या है, जिससे ओवम बन रहा है। सो जो आप बोल सकते हैं कि जो स्पर्मेटोगोनियम है या स्पर्मेटोसाइट है, वो एक फॉलिकल है। फीमेल में उस साइड एक फॉलिकल है, ठीक है ना। तो इन फॉलिकल्स के को स्टिमुलेट जब तक नहीं किया जाएगा, ये फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होंगी एंड स्पर्म एंड ओवम नहीं बनेगा। सो वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया जाएगा, इनको उनको बोल सकते हैं उनका प्रोडक्शन किया जाएगा, ताकि ओवम एंड स्पर्म बने। सो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंड मैंने बताया कि मेल में भी फॉलिकल होता है, फीमेल में भी होता है। मेल फॉलिकल स्पर्मेटोसाइट एंड फीमेल फॉलिकल ऊसाइट। तो ये फीमेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्टिस एंड ओवरी पे जाकर के अपना फंक्शन करेगा। टेस्टिस पे जाएगा तो स्पर्मेटोसाइट जो है उसको स्टिमुलेट करेगा, ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन हो, ठीक है ना। एंड ओवरी पे जाके जब काम करेगा तो ऊसाइट का प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, ताकि जो ओवम है उसका प्रोडक्शन हो। तो इन फीमेल डेवलपमेंट ऑफ ओसाइट एंड इन मेल डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म, किसकी वजह से? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहां से रिलीज हो रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। किस पे काम करेगा? टेस्टिस एंड ओवरी पे, ठीक है ना। फिर आती है बात ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहां से रिलीज होगा? ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा। एंड ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी किस पे काम करेगा? टेस्टिस एंड ओवरी पे। मतलब हमें पता है बॉडी में एक साथ टेस्टिस एंड ओवरी तो नहीं होता, ठीक है ना। सो मेल के टेस्टिस पे एंड फीमेल के ओवरी पे। सो अगर मेल के टेस्टिस पे, मेल में अगर ये हार्मोन क्या करेगा कि मेल का जो मेन हार्मोन है उसका प्रोडक्शन करेगा। मेल हार्मोन बेसिकली क्या? टेस्टोस्टेरोन। सो टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है टेस्टोस्टेरोन। इस टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करवाने में कौन हेल्पफुल होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंड फीमेल में कौन सा हार्मोन? दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सो इन हार्मोन का प्रोडक्शन कौन करवाएगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। किससे रिलीज होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंड ये हार्मोन किस पे काम करेगा? टेस्टिस एंड ओवरी पे, ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से बाकी और कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। फिर आता है हमारा ACTH। ACTH का मतलब है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है ना। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एंड ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंड कहाँ जाके फंक्शन करेगा? एड्रिनल ग्लैंड पे। अच्छा, ये ACTH किस पे जाके काम करेगा? एड्रिनलिन ग्लैंड पे। एंड ये एड्रिनलिन ग्लैंड रिलीज करेगा हार्मोन, एड्रिनलिन रिलीज करेगा। साथ ही साथ ये रिलीज करता है दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। एक होता है ये कुछ आप बोल सकते हैं स्टेरॉइड्स रिलीज करते हैं, जिसमें एक आता है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है ना। इसका फंक्शन मैं आगे बताऊंगी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है ग्लूकोज में या ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। एंड जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है ये बॉडी में सोडियम आयंस के बैलेंस को या उनके बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है ना। इसका फंक्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे जब एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे। फिर आते हैं हमारा प्रोलैक्टिन। सेकंड जो हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन किस पे काम करेगा? मेमरी ग्लैंड पे। एंड ये किस में हेल्प करेगा? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन। एंड ये किससे रिलीज होता है? मेमरी ग्लैंड से, ठीक है ना। और इसको रिलीज कौन करवाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर आती है बात हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ दो ही हार्मोन रिलीज होते हैं। एक होता है हमारा ऑक्सीटोसिन। एंड ये ऑक्सीटोसिन किस पे काम करेगा? यूट्रस पे। यूट्रस पे क्या काम करेगा? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उस समय यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, ताकि जो चाइल्ड जो फीटस है वो इजीली बॉडी से बाहर आ सके, ठीक है ना। सो कॉन्ट्रैक्शन की में जो मदद करेगा वो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है, ताकि ये जो चाइल्ड बर्थ है उसमें यूज हो सके, ठीक है ना। तो ऑक्सीटोसिन किससे रिलीज हो रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारे सिर्फ दो ही हार्मोन रिलीज होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा फिर आता है ADH। ADH का फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक का मतलब क्या है कि बॉडी में वाटर को कंजर्व करता है ये हार्मोन। कि अगर बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में वाटर का एक्सक्रिएशन हो रहा है तो बॉडी में वाटर का लेवल डाउन हो जाएगा। सो उस वाटर की कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये ADH। ये ADH किस पे काम करता है? किडनी पे। एंड वाटर के लेवल को बॉडी में मेंटेन करता है, ताकि ज्यादा वाटर बॉडी से एक्सक्रिएट ना हो जाए एंड बॉडी में वाटर का लेवल मेंटेन रहे, ठीक है ना। सो ये हमने क्या देखा कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटीरियर से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं एंड वो किस पे काम करते हैं, एंड पोस्टीरियर से हमारे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं वो किस पे काम करते हैं, ठीक है ना।
अब हम बात करते हैं एक एक करके कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, उनमें उनसे कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है एंड उनका एक एक लाइन में क्या बेसिक फंक्शन है, ठीक है ना। ओके अब आते हैं हमारे ग्लैंड्स पे, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, हम देखेंगे कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, उनसे कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है एंड उनके फंक्शन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारे नेक रीजन में पाया जाता है, बटरफ्लाई शेप लाइक स्ट्रक्चर होगा, आपको साइड में स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा एंड इसमें एक बोल सकते हैं बटरफ्लाई शेप लाइक स्ट्रक्चर है, एक टाइप का एच शेप लाइक स्ट्रक्चर बनता है इस ग्लैंड का। इस ग्लैंड से आपके बेसिकली दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है T3 एंड दूसरा होता है T4। T3 का मतलब ट्राई आयडो थायरोनोनिन एंड T4 का मतलब है टेट्रा आयडो थायरोनोनिन, ठीक है ना। यानी कि T4 में कितने आयोडीन है, 4 आयोडीन है एंड T3 में कितने आयोडीन है, 3 आयोडीन है बेसिकली। अगर हम बात करें इस ग्लैंड के फंक्शन की तो ये ग्लैंड बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए काफी रिस्पॉन्सिबल है। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या है कि मेटाबॉलिज्म, सबसे पहले समझिए मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, कोई भी चीज का ब्रेकडाउन होना, ब्रेकडाउन होकर के उसका कन्वर्जन होना दूसरे मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। अब हमारी जितने भी सेल्स है ना वो मेटाबॉलिज्म क्या करती हैं, वो क्या करती हैं कि कोई भी फूड है, कोई भी जो भी हम न्यूट्रिएंट लेते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, इन सब को ब्रेक करके इनसे ATP बनाती है हमारी सेल्स, ठीक है ना। लेकिन इसका ब्रेकडाउन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी ना तो ये मेटाबॉलिज्म सेल्स के अंदर नहीं होगा, तो वो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन सेल में ये थायराइड हार्मोन करवाता है। अगर ये हार्मोन को रिप्लेस कर दिया जाए तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन सेल में मेटाबॉलिज्म के लिए रुक जाएगा, और सेल्स के अंदर अगर मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा तो प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन, फैट का ब्रेकडाउन या कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन रुक जाएगा, जिससे ATP बनता है, ठीक है ना। यानी कि ATP बनाने के लिए प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट या उससे ATP जो बनता है किसकी प्रेजेंस में बनता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एंड वो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हमारे थायरोक्सिन हार्मोन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना। अगर ये हार्मोन को रिप्लेस करवा दिया जाए तो मेटाबॉलिज्म पे अफेक्ट पड़ेगा एंड इन सब न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन नहीं होगा, ATP का ब्रेकडाउन नहीं होगा। आपने देखा होगा कि यही जिनमें थायरॉयड हार्मोन काफ़ी कम होता है तो उनमें काफ़ी लिथार्जिक फीलिंग रहती है, काफ़ी जल्दी थक जाते हैं, कोई काम करने का मन नहीं करता है, इसलिए ऐसा क्योंकि उनमें ATP का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि थायराइड हार्मोन काफ़ी कम है। थायराइड हार्मोन कम होगा तो क्या होगा, सेल्स में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, तो मेटाबॉलिज्म काफ़ी डाउन हो जाएगा तो ATP भी काफ़ी डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। सो इसलिए जो हार्मोन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अच्छा, इसकी डिजीज मैं डिस्कस करूँगी अभी आगे। नेक्स्ट आता है हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारा जो थायरॉयड ग्लैंड होता है ना, इसके जस्ट पीछे 4 सेक्शंस होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के। ये पैराथायरॉयड है, पैराथायरॉयड क्यों बोलते हैं, क्योंकि थायरॉयड के जस्ट पीछे पाया जाता है, ये हमको फ्रंट से नहीं दिखता, उसके थायरॉयड ग्लैंड के जस्ट पीछे ही पाया जाता है एंड इससे रिलीज होता है पैराथार्मोन, ठीक है ना। पैराथायरॉयड हार्मोन ये क्या करता है, बेसिकली ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करेगा। कैसे करेगा, मान लीजिए ये ना बोन है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे ये बोन बनाती हूँ एंड ये क्या है, ये ब्लड है। सो ब्लड में जो कैल्शियम है इसका बोन में जाना अगर ज्यादा है तो, अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा है तो ये बोन में चला जाएगा, और अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है तो बोन से कैल्शियम आ जाएगा। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ब्लड में और बोन में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है ना। पैराथायरॉयड हार्मोन हमारा क्या रिलीज करता है, पैराथार्मोन, एंड ये क्या रेगुलेट करता है, इट रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट बिटवीन द ब्लड एंड अदर टिश्यू। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है, ब्लड एंड अदर टिश्यू, एंड इट रिड्यूस कैल्शियम लॉस थ्रू यूरिन, एंड साथ ही साथ ये हार्मोन यूरिन में कैल्शियम के लॉस को भी बचाता है, ताकि यूरिन से एक्सेसिव अमाउंट में कैल्शियम का जो एक्सक्रिएशन है वो ना हो पाए और हमारे बॉडी में कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहे, ठीक है ना। अगर बॉडी में कैल्शियम का लेवल मेंटेन नहीं रहेगा, कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कई सारी चीज़, इवन आप बोल सकते मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा, मसल्स काम ही नहीं करेगी, क्योंकि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम ऐसे ही मुट्ठी अगर बांध रहे हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एंड इस कॉन्ट्रैक्शन में के लिए हमें क्या चाहिए, कैल्शियम।
सो बेसिकली मसल्स में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा एंड कोई मूवमेंट ही नहीं हम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बॉडी में कैल्शियम का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसको मेंटेन करता है ये हार्मोन पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज ग्लैंड है हमारा, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड मैंने बताया किडनी के ऊपर पाया जाने वाला ग्लैंड है, आप देख सकते हैं इमेज में, ये किडनी के ऊपर पाया जाने वाला ग्लैंड है एंड इस ग्लैंड में पाए जाते हैं तीन तरह के लेयर्स, जिसको अगर हम डिवाइड करते हैं उसमें इसके अंदर तीन तरह की लेयर्स पाई जाती हैं, थ्री जोन्स होते हैं। पहला होता है हमारा जोना ग्लोमेरुलस, ठीक है, दूसरा होता है जोना फेसिकुलेटा एंड तीसरा होता है जोना रेटिकुलरिस। ये तीन जोन होते हैं इस एड्रिनल ग्लैंड के बीच सेक्शन में, को अगर हम काटेंगे तो इसमें तीन जोन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। उन तीन जोन का नाम ये है एंड इन तीन जोन से अलग अलग तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जो जोना ग्लोमेरुलोसा है उससे रिलीज होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जो जोना फेसिकुलेटा है इससे रिलीज होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड जो जोना रेटिकुलरिस है इससे रिलीज होता है एंड्रोजन। इन सबका फंक्शन अलग अलग है। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज हो रहा है, इसका बेसिक फंक्शन है बॉडी में मिनरल के लेवल को मेंटेन करके रखना। मिनरल के लेवल को मेंटेन कैसे किया जाएगा, जैसे बॉडी में अगर सोडियम आयन्स का कंसंट्रेशन लो है या पोटेशियम आयन्स का कंसंट्रेशन लो है या बोल सकते कोई भी कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन लो है, तो उनको कंजर्व करके रखना यूरिन के थ्रू, यानी कि जो यूरिन जाता है उस यूरिन में सोडियम आयन्स पोटेशियम आयन्स का एक्सक्रिएशन होने लगता है। सो अगर लो लेवल है तो उसके एक्सक्रिएशन को रोकना एंड उन आयन्स को कंजर्व करके रखना, ये बेसिकली ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड का बेसिक फंक्शन है, ठीक है ना। यानी कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करेंगे, उस बॉडी में मिनरल्स के लेवल को मेंटेन करके रखेंगे। अगर ज़्यादा है तो उसको एक्सक्रिएट करवाने में हेल्प करेंगे और अगर कम है तो उसको कंजर्व करवाने में हेल्प करेंगे, ठीक है ना। फिर आता है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब ये बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेंगे। ग्लूकोज का लेवल कैसे मेंटेन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई फास्टिंग में या कोई फास्ट कर रहा है तो उसने जाहिर सी बात है कोई डाइट नहीं लिया है, कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं लिया तो उस कंडीशन में सेल्स को ग्लूकोज कैसे मिलेगा, तब ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये लीवर के पास जाएगा एंड देन बोलेगा कि भाई देखो सेल्स को तो ग्लूकोज चाहिए, अब इस बंदे ने तो खाया नहीं, अब क्या करें। तो लीवर बोलता है कि ठीक है मेरे पास स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, जो भी डाइट होता है ना उसमें से कुछ पार्ट स्टोर करके रख लिया जाता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन कर दिया जाता है लीवर में। तो अब लीवर के पास जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा दिया जाता है एंड इसमें हेल्प करता है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगा, अगर लो है तो उस लीवर के पास जा करके ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा ताकि जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, सॉरी ग्लूकोजेनेसिस, ठीक है, लिसिस यानी ब्रेक डाउन करवाएगा ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में, तब जाके वो जो ग्लूकोज है बॉडी में ब्लड लेवल को मेंटेन करेगा, ठीक है ना। फिर आती है बात हमारी एंड्रोजन। एंड्रोजन हमारे थर्ड लेयर से रिलीज होता है जोना रेटिकुलरिस से। एंड्रोजन हमें पता है ये मेल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर किसी फीमेल में ये एंड्रोजन की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो उनको बियर्ड आ जाती है, मुस्टैशे आ जाती है, तो ये हिरुटिज्म बोलते हैं बेसिकली उसको, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। अब बात करेंगे पैंक्रियास की। पैंक्रियास से क्या रिलीज होता है, इंटेस्टिस एंड ओवरी से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा पैंक्रियास, जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारा दो तरीके का ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है एंड एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है कि ये अपना सिक्रेशन डक्ट के थ्रू कहीं पे भी डंप कर रहा है, ठीक है ना। जैसे पैंक्रियाटिक डक्ट, ये इसमें क्या होती है, पैंक्रियाटिक डक्ट होती है एंड उस पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, जो कि डियोडनम में, जो इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट होता है ना, डियोडनम में जाके डंप होता है, ठीक है ना। एंड ये पैंक्रियाटिक जूस फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये एक तरह से एक्सोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि इसके पास डक्ट है अपने इस सिक्रीशन को कहीं पे भी डंप करने के, ठीक है ना। एंड ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों है, क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करता है एंड वो हार्मोन डायरेक्टली सीधा किस में रिलीज कर रहा है, ब्लड में, ठीक है ना। सो एंडोक्राइन ग्लैंड भी एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है ना। अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो इसमें तीन तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन कौन से, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन एंड सोमैटोस्टैटिन, ठीक है ना। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड, अब पैंक्रियाज में तीन तरह के सेल्स पाई जाती हैं, पहली अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स, ठीक है ना। अल्फा सेल्स से रिलीज होता है ग्लूकेगॉन, क्या रिलीज होता है, ग्लूकेगॉन। एंड ये ग्लूकेगॉन क्या करता है, ये लीवर पे एक्ट करेगा
एंड बॉडी में ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, ठीक है ना। ग्लूकेगॉन मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा, ये ग्लूकेगॉन, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या है, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं, इससे ही रिलीज होता है इंसुलिन। एंड ये इंसुलिन क्या करता है, सेल्स में जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में है उस ग्लूकोज को सेल्स में ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है ना। फिर आता है हमारा डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स सिक्रीट करती है सोमैटोस्टैटिन। एंड ये सोमैटोस्टैटिन क्या करता है ना कि इन दोनों हार्मोन के लेवल को मेंटेन करेगा। मतलब ग्लूकेगॉन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर इंसुलिन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। सो इन दोनों के रिलीज को मेंटेन करना है। सो ये जो सोमैटोस्टैटिन है जब रिलीज होगा तो ये इन दोनों के हार्मोन या इन दोनों के लेवल को मेंटेन। सो ये सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन के रिलीज को रेगुलेट करता है कि कहीं अगर ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं तो इनको रोकेगा ताकि बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस ना हो, ठीक है ना। या ग्लूकोज का इम्बैलेंस बेसिकली अगर हम बात करें तो ये ग्लूकेगॉन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। एंड इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ट्रांसफर कर देता है सेल्स में। सो इन दोनों ही हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए क्या बना है, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है ना। अब बात करते हैं हमारे लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की, दैट इज अ टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस में हमारे कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं एंड ओवरी में हमारे कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, एकदम सिंपल लास्ट का चीज है। लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज अ ओवरी एंड द टेस्टिस। ओवरी से हार्मोन रिलीज होता है, हमें पता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। द एस्ट्रोजन जो रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन से बिफोर एंड ओव्यूलेशन के बाद जो है ये एस्ट्रोजन रिलीज होता है। बहुत सारे आप बोलते ग्राफियन फॉलिकल्स या बोल सकते हैं कि फॉलिकल्स के फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट के लिए एस्ट्रोजन काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। ओवम का जो फॉर्मेशन होता है वो एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना। एंड जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है ये पी से प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है। अगर प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ रहा है इट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, प्रेगनेंसी के लिए एक फेवरेबल कंडीशन बनाने के लिए हेल्प करता है। यूट्रस की लाइनिंग को ठीक करेगा, इस तरीके से ये प्रोजेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी की ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। फिर आता है मेल से टेस्टिस। टेस्टिस में जो हार्मोन रिलीज होता है ये टेस्टोस्टेरॉन होता है। टेस्टोस्टेरॉन हमें पता है इसके स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये हार्मोन। एंड यही टेस्टोस्टेरॉन मेल कैरेक्टर्स एंड उनके सेक्स कैरेक्टर्स के लिए भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो ये हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं एंड कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड से उनसे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, उनके फंक्शन क्या इंडिविजुअली। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से होने वाली कौन कौन सी डिजीज एंड डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है ना। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है या कुछ भी आप चाहते हैं पूछना या आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।